फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौरव सीनिक ब्लॉग्स। आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं हूँ हाजीपुर के कार्निवल सिनेमाज में। कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी मूवी है। पैसा वसूल? हाँ, अच्छी लगी। भैया कैसी लगी मूवी आपको? मूवी बहुत अच्छी है भाई। किनका रोल आपको बढ़िया लगा सबसे बढ़िया? सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। स्पेशल पैसा वसूल? पैसा वसूल है जी। अमेजिंग 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 स्पाइडरमैन या पहले वाले स्पाइडरमैन, तीनों को एक साथ देख सकते हैं आप। और मूवी बहुत अच्छी है। दिस इज रियली नाइस मूवी, आई एंजॉयड इट अ लॉट। मूवी ठीक ठाक ही है, उतना अच्छा मूवी नहीं है। मूवी अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी लगी। कितने मार्क्स देंगे आप 5 में से? 5 में से 3.5। 3.5। अभी आपको मूवी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। और आपको किन का रोल सबसे बढ़िया लगा अभी? पीटर पार्कर। किसका लगा? पीटर पार्कर ऑब्वियसली। कैसे लगी मूवी आपको? बहुत ही बढ़िया। और आपको किन का रोल बढ़िया लगा सबसे? मुझे तो स्पाइडरमैन फर्स्ट का जो पीटर पार्कर है, वो तीनों जो आते हैं वो सबसे मस्त लगा। और जो पुराने विलेन लौट के आए हैं वो कैसा लगा आपको? वही तो मेन था, वही विलेन विलेन वही लास्ट में वही उसी से फाइट हुआ था। भैया मूवी कैसी लगी आपको बताइए? बहुत अच्छी लगी मूवी। और आपको किनका रोल सबसे अच्छा लगा? ऑब्वियसली टॉम हॉलैंड का। और क्या खास था मूवी में? देखे मूवी मेनली मार्वल की मूवी इसलिए देखते हैं हम लोग कि आगे पता चले आगे क्या होने वाला है, यही मेन था। कुछ रिवील हुआ? हाँ, रिवील हुआ कि मुझे लगता है कि अब आने में, मैंने सुना है मार्वल में आपको थानोस का भाई आने वाला है, अब देखते हैं क्या होता है। आप कितने मार्क्स देंगे 5 में से? 5 में से 5 ऑब्वियसली। अच्छा मूवी तो बहुत जबरदस्त थी। और कैसा लगा आपको? एडवेंचरस था, और जो तीनों स्पाइडरमैन आ गए ना जी, और उसके बाद एक्शन बहुत जबरदस्त था। और कितने मार्क्स देंगे आप? कितने मार्क्स देंगे? 10 में आउट ऑफ 10 10 में तो मैं 9 दे दूंगा भाई। ओके सर, 8.5। अब एक उतना मच बेटर नहीं था, आपको कैसी लगी? ठीक थी, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थी। 3D इफेक्ट में ब्राइटनेस कम थी, लेकिन और सब ठीक था। इफेक्ट कितना मार्क्स देंगे आप 5 में से? 3.5। भैया कैसी लगी मूवी आपको? मूवी काफ़ी अच्छी थी और VFX भी काफ़ी कमाल के थे। और कितने मार्क्स देंगे 5 में से आप? 5 में से मूवी के डायरेक्शन के मुताबिक 3.5। कैसी लगी मूवी आपको? अच्छी थी। भैया आपको मूवी कैसी लगी? बढ़िया मूवी थी। और आप कितने मार्क्स देंगे 5 में से? 5 में से 5 देंगे। ओके सर, मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा था, मूवी का VFX बिल्कुल है सो फाड़ू था, बट अपना ये थिएटर का 3D इफेक्ट इसलिए पता नहीं चल रहा था क्योंकि है सो थिएटर का है सो जो ब्राइटनेस था वो काफ़ी कम आ रहा है। मुझे लगता है ऑब्वियसली मेरे कुछ फ्रेंड्स दिल्ली वगैरह में मूवी देखे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला नहीं वहाँ पे सही आ रहा है, बट ये कार्निवल की प्रॉब्लम है जो उसका पर्दा पे है सो 3D इफेक्ट अच्छा नहीं आ रहा है, थोड़ा डार्क हो जा रहा है। बादवा की मूवी बहुत अच्छी है। स्पाइडरमैन में ये अलग था कि तीनों कैरेक्टर को एक साथ है सो कंबाइंड किए हैं और उसका एक लॉजिक दिए हैं, सही रीजन दिए हैं कि ये नहीं कि बिना सर पैर के उठा करके उनको डाल दिया गया है, उन्होंने लॉजिक बहुत अच्छा दिया है और उसको डायरेक्शन बहुत अच्छे से किया गया है और स्टोरी को बहुत अच्छे से जोड़ा है, कैरेक्टर को भी अच्छे से प्ले किया है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही सही था और जब जब है सो एक्शन सीन आता है तो क्या जबरदस्त उन्होंने है सो बनाया, मार्वल का तो फैन हो गया मैं। 5 out of 4.5 इसलिए मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि इनका प्रॉब्लम था कि 3D का इफेक्ट बहुत अच्छे से नहीं आ रहा था और कहीं पे बीच में एक मार्वल ने है सो एवेंजर बना करके बेंचमार्क सेट कर दिया है जिसमें हम लोग हर चीज़ में एवेंजर को से कंपेयर करते हैं, उस अगर स्पाइडरमैन के फैन है तो आउट ऑफ फाइव बट अगर है सो मार्वल के फ़ैन है तो उसके अकॉर्डिंग 4.5। बढ़िया था और
जैसे कि IMDb रेटिंग मिली है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो नो डाउट मूवी काफ़ी अच्छी थी, बट कॉन्सेप्चुअल और होनी चाहिए जिस तरह के लॉजिक को मिलाया गया है। हाँ बिल्कुल, तीनों स्पाइडरमैन को जो एक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली आया है इस फिल्म में, तो वो काफ़ी अच्छा लगा है। बट ओवरऑल मूवी वॉज गुड, नहीं है एक जरूरी था क्योंकि सैम रेमी की जो मूवी थी 2000 वाली सीरीज जो टॉमी मैग्वायर के लोग के, फिर सोनी पिक्चर्स ने जब एंड्रू गारफील्ड वाली को एक्वायर किया था उसके बाद इन दिनों को मर्ज करना ज़रूरी था, और एज अ व्यूअर हम लोग को यही काफ़ी अच्छा लगा है मूवी। और बट बहुत अच्छी डायरेक्शन है, बहुत ओवरऑल अच्छी डायरेक्शन है, और VFX भी काफ़ी अच्छा है, और मैं इसे सजेस्ट करूंगा व्यूअर्स को कि अच्छे सिनेमा हॉल में देखें अगर वो चाहते हैं इस मूवी को फुल्ली एंजॉय करना। हाँ PVR सिनेपोलिस आईनॉक्स दे शुड गो इन दैट मूवी सिनेमा हॉल। देखिए मैं आउट ऑफ 5 ऑब्वियसली मैं 4.5 ही दूंगा क्योंकि मूवी काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी। बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक हमारे इंडियन एक उसने वो किया है, कंपोज किया है। क्या नया किया है? वही है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली लाया है, और ये वाला कॉन्सेप्ट आगे जाके अब डॉक्टर स्ट्रेंज की नई सीरीज आएगी उसमें मिलेगा, तो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव एवर सीन मार्वल की।